क्योंकि शिखा ठाकुर हमारी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिखा, इस पांचवें लिस्ट का बहुत ज्यादा इंतजार था और देखिए जिस तरीके से माना जा रहा था कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता हुआ ये, इसके अलावा भी संगमित्रा मौर्य को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे, उनका भी टिकट कट गया है। बिल्कुल, और प्रीति देखिए इस बार जो है पार्टियों का समावेश पूरी तरीके से नजर आया। पार्टी के अंदर खाने जिन बातों को लेकर के चर्चा हो रही थी उसे धरातल पर उतारा है बीजेपी ने। सबसे पहले बिहार का अगर जिक्र करें तो आरके सिंह के टिकट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, क्योंकि पवन सिंह ने कहा था कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि क्या आरके सिंह का टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरके सिंह इस बार भी वहाँ से चुनाव लड़ते हुए आरा से नजर आएंगे। इसके साथ ही कंगना रनौत जो कि अपनी बातचीत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर रहती है कंट्रोवर्सीज के साथ साथ, जिस तरीके से बीजेपी के लिए बेधड़क बोलती आई कंगना, उन्हें उसका तोहफा यहां पर मिला है। और अब से पहले भारत 24 ने ही ये जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि मंडी से चुनाव कंगना रनौत लड़ सकती हैं, हुआ भी यही। वही सीता सोरेन इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, हेमंत सोरेन की भाभी है और कल परसों ही उन्होंने बीजेपी का दामन परसों ही थामा है, जिसके बाद से अटकलें थी कि लोकसभा का चुनाव और टिकट जो है उन्हें मिल सकता है। इसके साथ ही पीलीभीत से आपने जानकारी दी वरुण गांधी का टिकट कट गया है, यानी बीजेपी इस बार जो कर रही है सोच समझकर कर रही है और कुल 111 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। एक लंबी मीटिंग हुई है इसको लेकर के और बीजेपी बिहार में जिस तरीके से सक्रिय देखी गई है, कुल 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। मैं एक एक करके आपको बता देती हूं। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया प्रदीप कुमार सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिंह और बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो कि अपनी सीट से दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही नित्यानंद राय को उजियारपुर से टिकट बीजेपी ने दिया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से उतारा गया है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, आरा से आरके सिंह, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दी, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से शिवेश राम। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप ये पूरी लिस्ट देखेंगे, ये पूरी फहरिस्त अगर आप देखेंगे प्रीति, तो आपको समझ आएगा कि बीजेपी ने जो जो वादे जिनसे किए हैं, जैसे कि सीता सोरेन का मैंने नाम लिया, वो निभाया है। उन लोगों ने जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है उनको उनका तोहफा मिला है, क्योंकि जाहिर है बीजेपी जो टारगेट लेकर चल रही है वो 400 प्लस का टारगेट है और एक रणनीति के तहत गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी खुद काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, ये पूरी फहरिस्त हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। कुल 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की इस पांचवी लिस्ट में किया गया है और अतुल गर्ग जिनके बारे में अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इन्फॉर्मेशन दी है उनको भी टिकट दे दिया गया है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है, यानी एक सोची समझी रणनीति वो उन लोगों ने जिन्होंने भाजपा का मान बढ़ाया बीजेपी में शामिल होकर के, उन्हें टिकट दिया गया है। फिर भले ही सिटिंग एमपीज हो या फिर पुराने बीजेपी के नेता हो, उनका टिकट इस बार कटा है। बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा। और देखिए आरा सीट का जब जिक्र किया गया है तो ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से पवन सिंह कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनकी माँ चाहती हैं, लेकिन आरा सीट उनको नहीं मिली, ये तो अब क्लियर है। तो अब आगे क्या कोई और सीट उनको ऑफर की जा सकती है? हालांकि आसनसोल की सीट तो उनको मिली थी, उन्होंने खुद मना कर दिया था कि नहीं, लेकिन इसमें एक अपडेट कर देती हूँ मैं प्रीति। आसनसोल से उन्होंने दोबारा जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, बीच में उन्होंने मना किया था, लेकिन पवन सिंह इज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स और कहीं ना कहीं चुनौती की तरह उन्होंने लिया। हालांकि वो ना कहीं खुद को कंपैटिबल आरा सीट के लिए मानते थे, लेकिन आरके सिंह का टिकट इसलिए भी नहीं कट सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी बताए जाते हैं और इसके साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे एनटीपीसी जैसे संस्थान है वो लगातार काम कर रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में और कहते हैं कि आरके सिंह की भूमिका जो है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, उन्हें लोग मानते हैं। हालांकि उनके नेचर को लेकर, बिहेवियर को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी या फिर कहीं बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ध्यान देती है काम को और ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से संचालन आरके सिंह ने किया है उन्हें दोबारा मौका दिया गया। हमारे साथ प्रीति इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, इन 111 प्रत्याशियों के नाम को जब आप देख रही हैं क्या समझ आ रहा है, क्योंकि एक पूरी मिली जुली एक रणनीति है जिस पर बीजेपी काम कर रही है और फाइनल डिसीजन जब लिया गया है तो जगह सबको मिली है? बिल्कुल, जगह इसमें सबको मिली है। 111 नाम, मैंने जैसे कहा था सुबह जब बात हुई लंबी फहरिस्त आने वाली है, इसमें आप देखें कि उम्मीदवारों के नाम में महिलाओं को भी जगह दी गई है। इसके साथ साथ आप देखें पश्चिम बंगाल की बहुत रोचक
यहाँ पर सीटें हैं। इसके साथ साथ देखिए आप धनंजय घोष को यहाँ पर उतारा गया है कृष्णा नगर से, श्रीमती अमृता रॉय को उतारा गया है अर्जुन सिंह, ये तमाम नाम है। रेखा पात्रा महिलाओं को जगह देती है ना, मेनका गांधी पर एक सवाल यहाँ पर है, मेनका गांधी सुल्तानपुर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, पर पीलीभीत से जितिन प्रसाद चुनाव में उतर गए हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस से शामिल हुए थे और राहुल गांधी के दोस्त और करीबी माने जाते थे, वो जो पूरी चौकड़ी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जितिन प्रसाद, वो अब जो है वो पीलीभीत से उनको चुनाव में उतारा गया है। लेकिन मेनका गांधी को भी सुल्तानपुर से टिकट मिल गई है। इसके साथ साथ राजरानी रावत बाराबंकी से, आपको याद है बाराबंकी की टिकट बदली गई है, पहले दे दी गई थी। और इसके साथ साथ अलीगढ़ से सतीश गौतम रिपीट कर दिए गए हैं। सतीश गौतम का काम आला कमान को पसंद है, शुरुआत से जिस तरीके से वो बेबाक भी हैं, काम भी कर रहे हैं। अरुण गोविल मेरठ से टिकट दी गई है और सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दी गई है। तेलंगाना की बात करते हैं, दो सीटें आई हैं, तेलंगाना खास है, 3 से 7 सीटों तक ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहां पे परिवारवाद भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रखा है और संगठन को बढ़ाया भी है और ऐसी स्थिति में जो आज वेंगल से अरुण रमेश को दी गई है, वहां के अच्छी पकड़ वाले नेता हैं और इसके साथ साथ जो है टिकट है विनोद राव को भी जो खम्मम से हैं। अब सिक्किम एक ही है, दिनेश चंद नेपाल को टिकट दी गई है। अब राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, राजस्थान से बहुत जद्दोजहद के बाद ये तमाम नाम है जो भारत 24 पहले ही चला चुका था। और देखिए सबसे बड़ी बात अरुण गोविल का नाम, क्योंकि प्रभु श्रीराम के नाम से जाने जाते हैं और हमने देखा जब वहां पर मंदिर की स्थापना की गई, जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अरुण गोविल वहां पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है उसे मजबूत करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। कंगना रनौत बड़े लंबे समय से सोच रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि इन सितारों की फहरिस्त में बहुत लोगों का नाम था, अक्षय कुमार के लिए भी लोग कह रहे थे कि दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार जो क्वीन है बॉलीवुड की वो यहां भी जीत गई अदिति। मैं आपको कहूं कि सही पकड़े हैं, क्योंकि अरुण गोविल अपने आप में, मुझे याद है आपके साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद थी जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, तो अरुण गोविल को लोग झुककर प्रणाम कर रहे थे। वजह क्या थी कि अरुण गोविल को अब प्रणाम की भूमिका में देखा जाने लगा था और ऐसी स्थिति में अरुण गोविल वो सेलिब्रिटी होंगे जो बार बार याद दिलाएंगे कि राम राज्य कैसा होता है, राम राज्य कैसा होता है। तो अरुण गोविल को यहाँ से टिकट दिया गया। अब आप देखिए पांचवी लिस्ट में खास क्या है, दूसरी पार्टी से आए दिग्गजों को तरजीह दी गई है, बीजेपी में वापसी करने वालों को सम्मान दिया गया है, जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिया गया है, हिंदुत्व और जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है और सेकंड समझे तो लीडरशिप तैयार करने का प्रयास किया गया है, सेकंड लाइन लीडरशिप। तो ये, और देखिए ऐसा नहीं है कि मेनका गांधी को नहीं दिया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि पांचवी लिस्ट को अगर समझे तो पहला दूसरी लिस्ट में दूसरी पार्टी से आए दिग्गजों को तरजीह। और जब आपने दूसरी पार्टी का जिक्र किया है तो नवीन जिंदल जो अब से कुछ ही देर पहले बीजेपी में शामिल हुए और बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी उनको लेकर के, इसके साथ ही रंजीत चौटाला को लेकर के, फौरन ही बीजेपी ने उनका नाम इस लिस्ट में डाल दिया है ताकि कोई संशय की स्थिति ना हो। बिल्कुल, कोई संशय की स्थिति ना हो इसलिए डाल दिया। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्पीड, सुबह से इंतजार हो रहा था कि लिस्ट आएगी, लेकिन जैसे ज्वाइनिंग हुई लिस्ट आई, क्योंकि इसमें हरियाणा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में था, आंध्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, इसके साथ साथ बिहार की एक लंबी फहरिस्त आई है जैसा। और देखिए गिरिराज सिंह को दोबारा, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से, यानी कि जैसा मैंने कहा कि वो बात सही है कि किस तरीके से बैलेंसिंग हर एक तरह से किया गया है और फटाफट देरी नहीं की गई। गुजरात को देखिए हरिभाई पटेल को, इसके अलावा देखिए छगन सिंह शिवड़ा को टिकट यहाँ पे दी गई है, राजेश भाई चुड़ात्मा को टिकट दी गई है, हिमांग योगेश जो है चंद्र जोशी को दी गई है। हरियाणा देखिए नवीन जिंदल पहला नाम दी गया है तुरंत, जैसा आपने कहा कि तुरंत देरी नहीं करते। इसके साथ साथ हिसार से रणजीत चौटाला, अच्छा सबसे पहली बात है कि हिसार और सिरसा दोनों की राजनीति करते हैं रणजीत चौटाला। इसके साथ सोनीपत से मोहनलाल बडोली है और रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा, एक बार फिर हम उस पर फोकस भी कर सकते हैं। और अदिति जी, और केरला के वायनाड से देखिए कि सुरेंद्रन का नाम है और वायनाड से राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं और ऐसे में अब जो उम्मीद लगाई जा रही है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है के सुरेंद्रन के नाम पर भरोसा जाहिर कर रही है, लेकिन क्या लगता है क्योंकि परंपरागत सीट रही है वायनाड राहुल गांधी की और कांग्रेस की, ऐसे में क्या लगता है क्या ये सीट बीजेपी हासिल कर पाएगी?
देखिए बारीकी से समझे, वायनाड अमेठी का गढ़ कांग्रेस का हिला दिया, वायनाड एक बार फिर गढ़ है और कांग्रेस देखिए पिछली बार बहुत अच्छा केरल में प्रदर्शन कर रही है। और शिखर खास बात यह है कि क्योंकि हम चुनावी तैयारी में पूरे साउथ के दक्षिण दौरे पर निकले हैं, तो मैं इस समय केरला में खड़े होकर आपसे ये बात कर रही हूँ। केरला में कांग्रेस अगर बड़ी गढ़ भले ही है, लेकिन आज मैं जितने लोगों से मुलाकात की, चाहे साउथ इंडिया की बात करें, तो घर घर तक राम की बात पहुंच रही है। यहाँ के जो क्रिश्चियन समुदाय है, जो बड़ा समुदाय है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा है और राम का, जो राष्ट्रवाद और जो राम की बात है वो साउथ इंडिया में, चाहे कर्नाटक, कर्नाटक तो जाहिर तौर पे समझ आता है कि पहले रेत का प्रदर्शन है, लेकिन आपको आंध्रा के लोगों में, मैंने खुद उनसे बात करी, आंध्रा के लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काम की बात कर रहे हैं, हालांकि वो नाराज है अलायंस को लेकर आंध्रा में टीडीपी के साथ। लेकिन इसके अलावा केरला में आप ये बड़ा बदलाव देखेंगे। अब चुनौती देखिए, चुनौती ये है कि के सुंदरम यहाँ पर आ गए हैं, जाहिर तौर पे एक वहां पे हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, और क्योंकि केरला हमेशा से इस तरह से रहा है, बड़े अलग अलग जगह के व्यापार किए हैं, तो यहाँ पर जो समुदाय है क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और साथ में हिंदू है, तो अब बड़े वोट बैंक ना होने के चलते हमेशा से मात खा रही थी आरएसएस और बीजेपी, लेकिन अब क्रिश्चियन समुदाय को अपने साथ लेकर, चाहे सीए के माध्यम से हो, चाहे क्रिश्चियन 10 दिसंबर सेलिब्रेट करने के माध्यम से हो। अब सब एक आखिरी बात यही बात है कि यहाँ पर लेफ्ट अलग चुनाव लड़ रही है, कोशिश है कि कैसे न कैसे वायनाड में जीत का मार्जिन इतना बड़ा राहुल गांधी का उसको कम किया जाए, जैसे ही राहुल गांधी जहाँ